है, सॉर्टिंग ऑफ एरे। यहाँ पे हम लोग एक टेक्निक यूज करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बबल सॉर्ट। ठीक है, बबल सॉर्ट मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मान के चलिए हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों आपस में कंपेयर किए जाएंगे। ठीक है, जो भी छोटा होगा वो एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे अभी 10 है, यहाँ पे अभी वैल्यू 10 है और 9 है, इस दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन करना मीन्स कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है हम लोग यहाँ कंपेयर करके निकालेंगे, दोनों में तुलना करके हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे 10 और 9 में कौन सा छोटा है, 9 छोटा है। ठीक है, 9 जैसे ही हम लोग कंपेयर करके निकालेंगे कि 9 स्मॉलर देन 10 है, तो ये क्या करेगा, 9 और 10 दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू को स्वैप कर रहे हैं, जैसे हम लोग ने एक प्रोग्राम बनाया था स्वैपिंग, ठीक है, स्वैपिंग ऑफ टू वैल्यूज, ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा और 10 यहाँ चले जाएगा, फिर 10 और 7 के बीच में कंपेरिजन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 10 और 7 के बीच में कंपेरिजन, जो छोटा होगा वो क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके दो दो के बीच में कंपेयर करते जाएंगे जब तक पूरा ये प्रोग्राम सॉर्ट ना हो जाए, मतलब पूरे के पूरा एरे जो है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। एक बार पूरा को कंपेरिजन कर लेगा, मतलब ये दोनों को कर लेगा, फिर ये दोनों को कर लेगा, सॉरी ये दोनों को करेगा, फिर ये 9 और 7 को करेगा, फिर देन उसके 7 और 101 को करेगा, देन उसके बाद 101 23 को करेगा, 23 44 को करेगा, फिर 44 12 को करेगा, फिर 12 78 को करेगा, 78 34 को करेगा और 34 24 को करेगा। एक बार कर लेगा फिर से प्रोसेस करेगा वो। ठीक है, जब तक पूरा का पूरा सॉर्ट ना हो जाए तब तक वो उस प्रोसेस को करता जाएगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है बबल सॉर्ट मेथड। ठीक है, ये जनरली एक डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको 1D एरे से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या कर लिया है, 3 वेरिएबल ले लिए, इंट आई, जे और टेम। आई और जे जो है लूप के लिए यूज होगा। ठीक है, एक और वेरिएबल हमने लिया है टेम वेरिएबल। ठीक है, हमने एक एरे लिया, उसका साइज दे दिया 10, साइज हमने दिया यहाँ पे 10। देन उसके बाद यहाँ पे 10, 9, 7, 101, 23, 44, 12, 78, 34, 23, इस प्रकार से हमने यहाँ पे 10 एलिमेंट्स इस एरे में ले लिए। अब हमारा लूप स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम लोग को इसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। सबसे पहले ट्रैवर्स करने के लिए हम लोग लूप लगाएंगे। लूप हम लोग लगाएंगे तो लूप की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, 9 तक जाएगी, मतलब मीन्स लेस देन 10। ये ट्रैवर्स करने के लिए हम लोग ने एक लूप लगाया जिससे हम लोग इस एरे को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन हम लोग का लॉजिक स्टार्ट होता है कि हम लोग एक एक एलिमेंट को एक्सेस करते जाएंगे और हम लोग उसके अगले एलिमेंट से हम लोग फर्स्ट वाले लूप से एक एक को ट्रैवर्स करेंगे, देन उसके बाद अंदर वाले लूप से हम लोग आई प्लस वन एलिमेंट पे जाएंगे। मीन्स अगर मान के चलिए आई की वैल्यू 0 है, लूप स्टार्ट हुआ आई की वैल्यू 0 है, तो 0 था इंडेक्स में हम लोग को कौन सी वैल्यू मिलेगी, 10 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, देन उसके बाद अंदर वाले में जे इक्वल टू आई प्लस वन से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स कहाँ तक जाएगा, ये 0 को कंपेयर करेगा इस 9 से, देन उसको 7 से, इस प्रकार से वो बढ़ते जाएगा और जैसे ही उसको वैल्यू मिलती जाएगी और ये कंपेयर करते हुए एक्सचेंज करते जाएगा वैल्यू को। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग आई इक्वल टू 0 के लिए, अभी आई इक्वल टू 0 है। ठीक है, 0 एलिमेंट मीन्स कौन सा होगा, 10। अब वैल्यू है हमारे पास 10। ठीक है, अब लूप अंदर वाले पे आ गए, अपन अंदर वाले फॉर लूप पे आ गए। यहाँ है आई प्लस वन, आई की वैल्यू 0 थी, 0 प्लस वन क्या हो जाएगा, 1, मतलब जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जाएगा,
लेस देन 10 मीन्स 9 तक जाएगा, मतलब 1 टू 9 चलेगा, मीन्स यहाँ से यहाँ तक वो एक्सेस कर सकता है। कहाँ से कहाँ तक एक्सेस कर सकता है? 9 से लेके 23 तक के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता है, जीरो वाले एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर दिया इफ ए ऑफ जे, ए ऑफ जे मीन्स जे की वैल्यू है 1, ए ऑफ 1 ग्रेटर देन ए ऑफ आई, ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 0, ए ऑफ 1 ग्रेटर देन ए ऑफ 0, ए ऑफ 1 मीन्स 9, 9 इज ग्रेटर देन 10, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, तो क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगी वैल्यू। हम लोग यहाँ स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट लगाए हैं, जो हम लोग यहाँ पे दो वैल्यूज को स्वैप किए थे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग लगाए हैं। टेम्प इक्वल टू ए ऑफ आई, देन ए ऑफ आई खाली हो गया, ए ऑफ आई में हम लोग क्या डाल दिए, ए ऑफ जे डाल दिए, देन उसका ए ऑफ जे खाली हो गया, ए ऑफ जे में हम लोग वापस से टेम्प की वैल्यू डाल दी। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग ने वैल्यू का एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। तो अभी की केस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए ऑफ जे मीन्स क्या होगा, ए ऑफ 1 जो वैल्यू 9, मीन्स 9 इज ग्रेटर देन 10, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। जैसे ही फॉल्स होगा, इफ कंडीशन जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, सॉरी जे की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगी, जे की वैल्यू क्या होगी, आई प्लस 1, आई की वैल्यू क्या थी, सॉरी जे की वैल्यू क्या थी, जे की वैल्यू थी 1, अब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन उसके बाद इसको इससे कंपेयर करेगा, ठीक है, इससे कंपेयर करेगा, मीन्स ए ऑफ जे मीन्स ए ऑफ 2 इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई, मीन्स 7 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वो एक एक करके कंपेयर करेगा, सबसे पहले इस वैल्यू को पकड़े, पूरे से कंपेयर कर लिए, ठीक है, देन उसके बाद इस वैल्यू को पकड़ेंगे, पूरे से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, फिर इस वैल्यू को पकड़ेंगे और पूरे से कंपेयर करेंगे, ठीक है, फिर इस वैल्यू को पकड़ेंगे फिर पूरे से कंपेयर करेंगे। तो इस प्रकार से ये मेथड काम करता है। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, देन उसके बाद हमें समझ में आएगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। राइट ए प्रोग्राम टू सॉर्ट वन डायमेंशनल एरे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिख लिए और यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main और यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स ले लेते हैं, int i j comma 10, तीन वेरिएबल हम लोग यहाँ पे ले लिए। देन हम लोग क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक एरे क्रिएट करते हैं और उस एरे में हम लोग 10 एलिमेंट्स डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे इंटीजर का एक एरे लेता हूँ, a of 10 इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हम लोग वैल्यूज डाल देंगे। वैल्यूज हम लोग कौन कौन सी डालेंगे, मैं सेम वैल्यूज डाल रहा हूँ जो मैंने अभी प्रोग्राम में बताया, 10 डाल रहा हूँ, 9 डाल रहा हूँ, 7 था, उसके बाद कौन सा था, शायद 101, फिर उसके बाद 23, 44, 12, 78, 34, 23, ठीक है, 10 वैल्यूज हो गई, डबल कॉमा हो गया 7,
अब वैल्यूज यहाँ पे पूरी की पूरी 10 हमारे पास अवेलेबल है। अब हम लोग सबसे पहले इसको ट्रैवर्स करेंगे, तो ट्रैवर्स करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लूप लगा लेंगे फॉर सर 20 भी रिपीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक हम लोग जाएंगे, I is less than 10 तक, और हम लोग यहाँ पे I plus plus यहाँ लिखेंगे, और हम लोग का इस प्रकार से ट्रैवर्स हो गया है। अब ट्रैवर्स करने के बाद असली लॉजिक हम लोग लगाएंगे, मीन्स हम लोग को एक वैल्यू पकड़ना है और उसके बाद वाले जितने पूरे वैल्यूज हैं सबसे कंपेयर कराना है। ठीक है, तो हम लोग का जो लूप होगा अगला कहाँ से स्टार्ट होगा, I plus 1 से स्टार्ट होगा। I की वैल्यू 0 है तो J की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, J इक्वल टू I प्लस 1, J इज लेस देन 10 क्योंकि 10 से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे J प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन हम लोग कैसे लगाते हैं, इफ से हम लोग लगाते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ a of j is greater than a of i। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्या होगा, हमारी वैल्यूज जो है वो एक्सचेंज हो जाएगी, a of j और a of i दोनों में आपस में एक्सचेंज हो जाएगी अगर ये कंडीशन ट्रू होता है। तो एक्सचेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्प्ररी वेरिएबल का यूज़ करेंगे temp। ठीक है, सबसे पहले a of i हम लोग इसमें डाल देंगे, a of i, अब a of i जो है हमारा खाली हो गया है। ठीक है, देन उसके बाद a of i हम लोग का खाली हो चुका है, a of i में हम लोग क्या करेंगे, a of j डाल देंगे। अब a of j हमारा खाली हो चुका है तो a of j में हम लोग क्या डाल देंगे, temp की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो हमारा दो एलिमेंट जो है वो एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो हमारा लॉजिक यहाँ पे टोटल कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं और हमारा आउटर लूप जो है, आउटर लूप के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे printf लिख देता हूँ, printf sorted array is, ठीक है, और मैं यहाँ पे slash n लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ for loop हम लोग लगाएंगे और पूरे loop को हम लोग फिर से ट्रैवर्स कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल i यूज कर रहे हैं, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, ऐसा हम लोग ने किया। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, printf हम लोग लगा के प्रिंट कर देंगे, printf हमने लगाया, डबल कोट्स लगाया और इसके अंदर लिख दिए %d। ठीक है, %d के बाद हम लोग लिख देंगे एक स्पेस, जिससे हम लोग का एरे जो है वो एक स्पेस देके एक एक एलिमेंट प्रिंट करेगा, और यहाँ प्रिंट कर देंगे a of i। तो ये हम लोग का प्रिंट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक और जो हम लोग का ओरिजिनल एरे है उसको भी हम लोग यहाँ प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर लिखता हूँ, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लूप और लगा दिया है जिसके थ्रू हम लोग ट्रैवर्स कर पाएंगे। प्रिंट है, यहाँ ओरिजिनल एरे हम लोग प्रिंट करेंगे जो हमने एंटर किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं %d, एक स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, और कॉमा देके यहाँ पे हम लोग दे देते हैं a of i, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। मैं
इसको सेव करता हूँ। सेव करने के लिए मैंने F2 दबाया और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ sort arr sort डॉट सी से मैंने सेव कर दिया। फिर मैं इसको करता हूँ कंपाइल। कंपाइल किया मैंने इसको, 6 एरर आ गया। डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड सर, वहाँ इफ कंडीशन में a ऑफ j के बाद एक्स्ट्रा ब्रैकेट है। नहीं, कहाँ एक्स्ट्रा ब्रैकेट है सर? इफ कंडीशन में a ऑफ j के बाद। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो एंटर किया था 10, 9, 7, 101, 23, 44, 12, 78, 34, 33 स्टेप्स हम लोग ने किया था और यहाँ पे हम लोग का पूरा एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। ठीक है, अगर वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ग्रेटर देन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर इस प्रकार से कर देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक बार रन करके देखना।